एक बार स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीधा सवाल, और सीधा सवाल में आज हमारे साथ मौजूद है एमआईएम के नेता शादाब चौहान साहब। इनसे बात करेंगे और तमाम मुद्दों को लेकर। शादाब जी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तमाम पार्टियां ताल ठोक रही हैं, एमआईएम भी आती हुई दिखाई दे रही है। सवाल ये उठ खड़ा होता है कि आप बिहार में गए थे, असदुद्दीन साहब ने रैलियाँ भी की थी, लेकिन बिहार से आप लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसे में कैसे उम्मीद करेंगे यूपी में आपको कुछ मिल पाएगा? देखिए, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोगों ने उस टाइम फैसला लिया था इलेक्शन लड़ने का, हमारी पार्टी ने, लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ा कमज़ोर था, और हम 6 सीटों पर लड़े और हम एक सीट पे सेकंड नंबर पर भी रहे, ऐसी बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश में हमारा ऑर्गेनाइजेशन 3 साल से है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बूथ तक टीम पहुँच चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश से एक तारीखी रिजल्ट आएगा, जो उत्तर प्रदेश की एक नई सियासत की तारीख लिखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत परेशानियां हैं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था डगमगाई हुई है, विकास के नाम पर आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे में अगर एमआईएम अगर कुछ सीटें जीत जाता है, सत्ता में तो आने से रहा शायद, उम्मीद करेंगे कि अगर एमआईएम कुछ सीटें जीत जाता है तो किसके साथ जाएंगे आप? हमने पहले भी कहा, हम लोग उसके साथ जाएंगे जो दलित और मुसलमानों के साथ हक की बात करेगा, सिर्फ ड्रामेबाजी नहीं करेगा। हमें मुल्ला मुलायम की हुकूमत नहीं चाहिए। जो लोग हमारा नाम लेकर हुकूमत बनाते हैं, हमारी वोटों की भीख पर इक्तदार की कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन इक्तदार की कुर्सी पर पहुंचने के बाद उन्हें सैफई तक वो महदूद हो जाते हैं, और एक तरीके समाजवाद को छोड़कर यादववाद कायम कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। हम दलित और मुसलमानों का इतिहाद चाहते हैं, उसके लिए जो भी हमारी लाइक माइंडेड पार्टी होगी हम उसकी तायद करेंगे, ये हमारे सदर फैसला। बिल्कुल, तमाम चीज़ें हैं। अब एक मुस्लिमों के सवाल पर फिर से आऊँगा आपके ऊपर, आपके पास योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी के सांसद हैं गोरखपुर से, उनका एक बार बयान आया था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, उनका कहना था कि जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या बढ़ती चली जाती है, मतलब आबादी उनकी बढ़ती चली जाती है, 30%, ऐसे कुछ उन्होंने आंकड़े बताए थे, वहाँ पर जो बहुसंख्यक होते हैं, हिंदू लोग होते हैं, उनका जीना दुभर हो जाता है, वो लोग परेशान होने लग जाते हैं, ऐसा क्या आरोप सही है? इस पर मैं क्या बोलूँ, जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं उन्हीं ने दादरी के मुतालिक क्या कहा था कि उनको छोड़ दिया जाए, उनका तो जहनी परेशानी है कब वो क्या बोल जाए। और क्या बताइए कि जब 700 साल हमने जहाबानी हुकुमरानी की तो क्या हिंदू भाई नहीं रहे? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये तहजीब है, हमारी मजहब की, इस्लाम की तहजीब है, अगर कोई गैर भी आकर हम हमारे साथ रहता है तो हमारा जिम्मेदारी और फरीजा है कि उसकी हिफाजत करना, उसके खाने का इंतजाम करना, उसके साथ रहना। अच्छा, जिहाद और घर वापसी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिहाद आखिर वाकई में होता क्या है? जिहाद को लेकर तमाम तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, तमाम तरीके की बातें की जाती हैं, फिर घर वापसी की भी बातें की जाती हैं, जिहाद आखिरकार है क्या? जिहाद से पहले मैं बोल दूं कि मैं भी जिहादी हूं और मुझे अपने जिहादी होने पर फख्र है, नाज है। जिहादी होने का मतलब है कि इसी अच्छे काम के लिए जद्दोजहद और कोशिश करना, ना कि बेगुनाहों का खून बहाना, जुल्म करना जिहाद नहीं है। अगर जिहाद करना है हिंदुस्तान में तो जमहूरियत में, जब मेरे कायद नकीब मिल्लत बैरिस्टर ओवैसी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करते हैं तो वो भी जिहाद करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में हम शौकत अली साहब की क़यादत में उत्तर प्रदेश में मजलिस का पैगाम पहुंचाते हैं, आवाम से अपनी बात रखते हैं और उनकी तालीम और सेहत की बात करते हैं तो ये भी एक जिहाद है। जिहाद गलत नहीं है। जो लोग जिहाद को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, जो संघ परिवार आरएसएस के लोग जिहाद को नहीं जानते, फिर ये बात करते हैं लव जिहाद। लव जिहाद भी गलत नहीं है, मुझे भी लव, मैं चाहता हूं कि लव जिहाद होना चाहिए। ये लोग मीनिंग नहीं जानते, गलत तरीके से उसको आवाम के दरमियान में लाकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जिहाद पे आऊं मैं, आपने कहा कि जिहाद का गलत मीनिंग निकाला जा रहा है, आरएसएस से लिए गलत मीनिंग निकाल लेगा, लेकिन अगर हम आईएसआईएस की बात करें, आईएसआईएस भी तो जिहादी फैला रहा है, वो भी तो जिहादी ही तैयार कर रहा है। लेट वी अलाउ टू कंप्लीट। आईएसआईएस का हमने पहले ही कहा, तमाम उलेमा इकराम ने कहा, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जालिम है उनका। और मुझे, मैंने इसीलिए कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हरगिज़ और कतई ऐसे जानवरों और कुत्तों के साथ नहीं जाने वाला। बे आप इससे उनकी बात ही मत कीजिए, क्यों उनकी बात करके उनको हम जबरदस्ती का वजूद पैदा कर रहे हैं, बात ही करना उनकी बेकार, उन जानवरों की नहीं। सवाल उठ जाता ना, बुनियादी सवाल है, क्योंकि मुस्लिम की अगर हम बात करते हैं, कुरान की अगर हम बात करते हैं, कुरान पढ़ने की बात करते हैं, कुरान को समझने की बात करते हैं, तो सवाल है कि वो लोग कौन सी कुरान पढ़ रहे हैं जो जिहाद इस तरीके का जिहाद कर रहे हैं? जी, इनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, वो कौन सी कुरान पढ़ेंगे? वो कहाँ की, वो गूगल से, कुरान से नहीं, वो गूगल से इस्लाम सीख रहे होंगे, हो सकता है। हम लोग कुरान से उलेमा इकराम के कदमों में बैठकर दीन सीखते हैं, अगर वो उन्होंने भी उलेमा इकराम के कदमों में बैठकर दीन सीखा होता तो ऐसी बेहुदा हरकत हरगिज़ कतई नहीं करते।
क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में धर्म के नाम पर हम देखते हैं सालों से राजनीति होती आ रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे और तमाम पार्टियां हो। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी धर्म और जाति में लोगों को बांटकर वोट मांगे। आज भी हमारे देश में कमोबेश वही स्थिति है कि आज भी हम लोग बट बट कर वोटिंग कर रहे हैं। आप आ गए, ओवैसी साहब आ गए, जी मैं मुस्लिमों का पुरोधा हूँ। मुलायम सिंह यादव आ गए, कहते हैं जी मैं यादवों का पुरोधा हूँ, मुसलमानों को मिलाऊंगा। मायावती जी आ गई, दलितों और मुसलमानों को मिलाती हैं। तो सवाल है कि हिंदुस्तान के लोग कहाँ रह जाते हैं जब वोटिंग की बात आती है? तो देखिए, हिंदुस्तान की आवाम फैसला करती है किसको कितना वोट देना है, लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। रही बात हमारी, अगर हम दलित और मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं, उसके पीछे एक वजह है कि आज तक सबसे ज़्यादा अगर एहतसाल किसी के साथ हुआ तो दलित और मुसलमानों के साथ हुआ। 50% से ज़्यादा अंडर ट्रायल दलित मुसलमान और आदिवासी क्यों हैं? जिनके साथ नाइंसाफी, उनकी आवाज़ नहीं है। जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत देता है कि हम उनकी बात करें, इसमें गलत क्या है? लेकिन हाँ, जो लोग मजहब के नाम पर गलत बात करते हैं, बिल्कुल कानून को फैसला उन पे एक्शन लेना चाहिए। चलिए, ट्रिपल तलाक पर आता हूँ। ट्रिपल तलाक, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी बोल चुका है कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ क्रूरता जैसा है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलता है कि ट्रिपल तलाक जायज़ है इस्लाम में। आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इस्लाम में डिफरेंट थॉट्स हैं। शिया हैं, सुन्नी हैं, अहले हदीस हैं, सबके अपने थॉट्स हैं। जैसे कि आपके यहाँ एक जगह ओम निराकारम अस्ति है और एक जगह आकार है आपके वेद में भी, उस तरीके से डिफरेंट थॉट्स हैं। उन थॉट्स की मैं बात करूँ, तलाक का जो मसला है जिसलिए ये बात लाई गई, ट्रिपल तलाक का मसला हाईकोर्ट की आप बात करें, हाईकोर्ट का पूरा आपने शायद डिसीजन नहीं पढ़ा, उन्होंने एक बात सिर्फ कही है, फैसला नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो कोर्ट का फैसला आएगा हमें भी मंजूर होगा, आपको भी मंजूर होगा। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो असली मुद्दा तलाक से ले जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोग लाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, इसका प्लूरलिज्म है, डाइवर्सिटी है, और मैं मानता हूँ जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जाएगा उस दिन हमारे मुल्क की यह खूबसूरती टूट जाएगी। क्या बताइए, 294 के हिसाब से पब्लिक प्लेस में कपड़े ना पहनना कानून और अपराध है, लेकिन जब नागा साधु और हमारे जैन मुनि भाई जब जाते हैं, वो उनकी धार्मिक आस्था है, आदिवासियों की अपनी धार्मिक आस्था है, दलितों की अपनी धार्मिक आस्था है। आप हिंदुस्तान में किसी की धार्मिक आस्था को खत्म नहीं कर सकते। सिर्फ इस्लामी शरीयत अलग नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग नहीं है, बहुत से पर्सनल लॉ बोर्ड अलग हैं, दलितों, आदिवासियों, और ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है, और आरएसएस नहीं चाहता इस हमारे मुल्क के अंदर ये खूबसूरती कायम रहे। हम देखते हैं अक्सर सवाल उठ खड़े होते हैं जब बात आती है। अभी इससे पहले कोर्ट से पहले का जिक्र करूं मैं, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बात नहीं आई थी, इससे पहले की बात है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा था ये सब कुछ हम तय करेंगे, अदालतें इस चीज़ को तय नहीं करेंगी। एक तरफ तो आप लोग बोलते हैं कि सबके लिए सेम कानून होना चाहिए, सबको एक ही कानून के दायरे में होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आकर बोलता है कि कानून इसमें हस्तक्षेप ना करे, सरकार हस्तक्षेप ना करे। अगर केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए कोई मुहिम चला रही है, कोई कदम उठाया, तो इसमें हर्ज क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अगर कोई बात कही कि वो कानून के ताल्लुक से, इसलिए कही कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको आर्टिकल 25 देता है, आर्टिकल 25 में हमें अपने मजहब पर चलने का पूरा अधिकार हासिल है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर मरकजी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट हक देना चाहती है, जो वजीर आजम मौजूदा हैं इन्हीं के रियासत में जो कत्ले गारतगिरी हुई गुजरात के अंदर, इशरत जहां का कत्ल हुआ, एहसान जाफरी के साथ क्या हुआ, आप उनको तो एहसान जाफरी को इंसाफ दे पाएंगे, इशरत जहां को इंसाफ दे पाएंगे? क्या अखलाक की माँ की आंख में डाल के, आंख डाल के कह पाएंगे कि मैं तुमको इंसाफ दूंगा? अरे कौन सी बात कर रहे मोदी साहब, पहले आप अपनी अहलिया को इंसाफ दे दीजिए, बाद में हमारी माँ और बहनों को देना। मैं शुक्रगुजार हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उन्होंने 1400 साल पहले बता दिया कि जब बहन आए तो उससे कैसे बात करना, माँ आए तो कैसे बात करना। चलिए, सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। सीधे सवाल में आज हमारे साथ मौजूद हैं एमआईएम के नेता शादाब चौहान साहब। सवाल और भी पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।